हेलो फ्रेंड्स, प्रीलिम स्पेशल डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम हर दिन कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेस जैसे द हिंदू, मिंट, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा टीवी इत्यादि से आईएएस या पीसीएस में पूछे जा सकने वाले करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, आपके साथ डिस्कशन करते हैं। ये जून महीने का हमारा अगला डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही ढंग से मिलान की गई जोड़ी चुनें। एक तरफ मिसाइल सौदे का नाम दिया गया है और उसके ठीक समकक्ष उन देशों का नाम दिया गया है जिसके बीच ये समझौता हुआ है। आपको बताना है कि सही रूप से कौन सा मेल करता है। सबसे पहले स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये बताता है भारत और यूएसए के बीच किया गया था। S-400 ट्रम्फ लंबी दूरी की सतह से हवा तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, इसके बारे में बताता है ये भारत और रूस के बीच किया गया था। स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसके बारे में बताता है कि ये भारत और इजराइल के बीच किया गया था। अब आपको इनमें से सही जोड़ी की पहचान करनी है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 3 के रक्षा से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, तो ये एक ऐसी मिसाइल है जो चौथी पीढ़ी की संबद्ध शक्तिशाली मिसाइल है। ये पोर्टेबल है, कहने का मतलब इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लाया या तो ले जाया जा सकता है। इस समझौते को भारत और इजराइल के बीच किया गया था, यानी कि भारत के द्वारा इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इजराइल से खरीदा जा रहा है। यहाँ पर आपको बता रहा था ये भारत और यूएसए के बीच में है। फ्रेंड्स, ये गलत है। दूसरा यानी कि S-400 की यदि हम बात करें, तो ये सतह से हवा तक मार करने वाली एक मिसाइल सिस्टम है जो भारत और रूस के बीच समझौते के रूप में हस्ताक्षर किया गया है, इसलिए दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है। यदि हम बात करें S-400 का, तो ये एक ऐसा सक्षम और सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है जो वर्तमान में केवल और केवल 3 देशों के पास है। एक तो रूस जिसने इसे बनाया है, दूसरा बेलारूस और तीसरा चीन। भारत 2025 तक इसे प्राप्त कर लेगा और भारत इसे प्राप्त करने वाला चौथा देश बन जाएगा। भारत को ऐसी संभावना जताई गई है कि आने वाले 2025 तक इसे सौंप दिया जाएगा, तो आप इसे याद रखेंगे। तीसरा कहता था स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब सतह से हवा तक मार करने वाली मिसाइल, इसके बारे में बताता है कि ये भारत और इजराइल के बीच समझौता किया गया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के द्वारा इजराइल से ही स्पाइडर सतह से हवा तक मार करने वाले इस मिसाइल को खरीदा जा रहा है। हालांकि ये कम दूरी का मारक क्षमता वाला मिसाइल है, इसकी दूरी 15 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर के आसपास है। इसी तरह का भारत में पहले से एक मिसाइल सिस्टम भी बनाया गया है, आकाश, और ये आकाश की तुलना में भी कम है, मतलब इसकी क्षमता जो है वो मारक क्षमता के हिसाब से आकाश से कम है, लेकिन दक्षता के हिसाब से आकाश से ज़्यादा है। जो स्पाइडर है वो हर मौसम में इसे उपयोग किया जा सकता है, इसे भी आपको याद में रखना है। यानी कि हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर का, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पहला गलत है, दूसरा और तीसरा जो मिलान है वो बिल्कुल सही है। यहाँ वो सारी बातें लिखी गई हैं जिन्हें आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। आप इन सारी बातों को हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले PDF से दोहरा सकते हैं। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, वारियान कुनन नाथ कुजा मुहम्मद हाजी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं। आपको यहाँ पर 4 विद्रोहों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि हाजी साहब कौन से विद्रोह से जुड़े हुए हैं। आपके दिए गए ऑप्शन में संथाल विद्रोह, चौरी चौरा विद्रोह, मोपला विद्रोह और फकीर विद्रोह है। आपको बताना है कि ये कौन से विद्रोह से जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 1 के स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति से जोड़कर देख सकते हैं। हमारे सिलेबस में इसी तरह से लाइन लिखा गया है, ये बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। यदि हम बात करें
हाजी साहब का, तो ये मोपला विद्रोह से जुड़े हुए हैं, जो कि 1921 में केरल के क्षेत्र में 1921 में केरल के क्षेत्र में हुआ था। यानी कि हम बात करें मोपला विद्रोह का, तो ये एक ऐसा विद्रोह है जिसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है। जब ये विद्रोह हुआ उस समय दो पक्ष थे, एक तरफ अंग्रेज और जमींदार थे। जो जमींदार थे वो सामान्यतः हिंदू थे, और दूसरी तरफ मुसलमान जाति के लोग थे जो खेती करते थे, और उन लोगों को काश्तकार या फिर मोपला कहा जाता था। जो जमींदार और अंग्रेज थे उनके द्वारा बहुत तरह के कर लगाए गए थे, बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध लगाए गए थे, ऐसे प्रतिक्रियाएं की जाती थी जिनकी वजह से इन काश्तकार मुसलमानों को, जिन्हें मोपला कहा जाता था, उनको प्रॉब्लम होता था। इसी वजह से इन्होंने विद्रोह किया। आगे चलकर ये सांप्रदायिक ढंग ले लेता है, सांप्रदायिक रूप ले लेता है, और अंततः इसे अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया जाता है। यदि हम बात करें इसको नेतृत्व करने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का, तो आपको ये याद रखना है कि इस विद्रोह को मुख्य रूप से तीन लोगों ने नेतृत्व किया था, जिसमें पहला जो व्यक्ति थे वो वारी कुन नाथ कुज मुहम्मद हाजी, दूसरा जो व्यक्ति थे वो सीथी कोया थंगल, और तीसरा जो व्यक्ति थे वो अली मुसलियार थे। अली मुसलियार के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, तो आप ध्यान रखेंगे। यदि हम बात करें इससे, एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो जुड़ा हुआ है वो ये कि ये जो तीन व्यक्ति हम लोगों ने डिस्कशन किया, वे वही व्यक्ति हैं जिन्होंने खिलाफत आंदोलन को भी समर्थन दिया था और केरल में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे चलकर इन्हीं तीनों व्यक्तियों के द्वारा मोपला विद्रोह को भी नेतृत्व प्रदान किया जाता है, इसीलिए मोपला विद्रोह को खिलाफत आंदोलन का विस्तारित रूप भी कहा जाता है। यानी कि आप इन सारी जानकारियों को, जिसको मैंने अभी एक एक करके डिस्कशन किया है, याद रखेंगे। वो इसलिए याद रखेंगे क्योंकि अभी 2020 चल रहा है और आने वाला साल 2021 है, यानी कि मोपला विद्रोह अपना 100 साल पूरा कर रहा है। इसलिए आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आर्थिक आउटलुक, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के रूप में प्रकाशन करती है। आपको यहाँ पर चार संस्थानों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आपके दिए गए ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच और विश्व बैंक है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 के रिपोर्ट रैंकिंग से जोड़कर देख सकते हैं। यूपीएससी हर साल दो से तीन प्रश्न रिपोर्ट से संबंधित पूछती है, कभी कभी तो चार तक भी पहुंच जाती है। यदि हम बात करें इस रिपोर्ट का, तो याद रखेंगे इसे IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। ये न्यूज़ में क्या इसलिए आया है कि अभी इस रिपोर्ट को जारी किया गया? जी नहीं, अभी कुछ समय पहले मतलब अप्रैल में इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, लेकिन इसका रिवाइज फॉर्म अभी फिर से जारी किया गया है और बताया गया है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से देशों को कितना नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में उन देशों का विकास दर कैसा रहेगा। अगर हम बात करें इस आउटलुक का, तो इसके अंतर्गत इस बात को एक्सपेक्ट किया जाता है, इस बात की अनुमान लगाई जाती है कि आने वाले समय में विकास दर किसी देश का कैसा होगा, इसके बारे में बताया जाता है। आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में, जिसमें अभी जारी किया गया है, बताया गया है कि भारत का विकास दर जो है, जो GDP विकास दर है, वो कम होकर 2.5% के आसपास रहेगा। मतलब जो विकास दर है वो गिरकर 4.5% तक कम हो जाने की अनुमान लगाई गई है। मैक्सिको के बारे में बताई गई है कि उसकी जो विकास दर है वो 10.5% तक गिर जाएगी, जबकि ब्राजील 9.1% और अर्जेंटीना
9.9%। अमेरिका के विकास दर को कम होने का जो आकलन किया गया है वो 8% तक कम होने के लिए कहा गया है, जबकि जो चीन है वो अभी जो एक्सपेक्ट किया गया था लगभग 8%, वो कम होकर लगभग 7% के आसपास रहेगा, क्योंकि वर्तमान में वो अपनी औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ा रहा है और वो 1% और वृद्धि कर सकता है, ऐसा बताया गया है। इस बात की संभावना कम है कि इनके बारे में आपको पूछा जाएगा, लेकिन आप याद रखेंगे क्योंकि ये आपको कॉन्टेस्ट समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बात आपसे पूछा जा सकता है वो ये कि विश्व आर्थिक आउटलुक यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप याद रखेंगे IMF के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखना है कि ये साल में 2 बार जारी किया जाता है, एक बार अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में, मतलब हर 6 महीने में ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, आप याद रखेंगे। इस रिपोर्ट में किस बात को बताया जाता है, इस बात को बताया जाता है कि किसी देश का विकास दर आने वाले समय में कैसा होगा, और यदि वो देश अपने देश का विकास दर बढ़ाना चाहता है तो किन चीज़ों को ध्यान दे जिसके माध्यम से वो अपने विकास को तीव्र कर सकता है, इन सारी बातों को इस रिपोर्ट में दिया जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगर हम बात करें IMF का, तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसके वर्तमान में 189 जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं। भारत 1945 में इसका सदस्य बना था। ये मुख्य रूप से वैश्विक मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पूरे विश्व में गरीबी को कम करने के क्षेत्र में कार्य करता है। आपको ये याद रखना है कि ये गरीबी को कम करने के क्षेत्र में कार्य करता है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं और वो आपको पहचानने में मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यदि आपको ये कहा जाए कि ये गरीबी के क्षेत्र में भी कार्य करता है तो आपको मुश्किल हो सकती है, आप ध्यान रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी फ्रेंड्स IMF के बारे में और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में, तो इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का 4th क्या कहता है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपको 2 कथन दिया गया है, आपको NSIL के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, यह अंतरिक्ष विभाग की दूसरी वाणिज्यिक शाखा है। दूसरा कथन कहता है, NSIL अंतरिक्ष निर्माण के लिए स्थानीय उद्योग की क्षमता निर्माण को निपटेगा। अब आपको इन दोनों में से सही कथन की पहचान करनी है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 3 के अंतरिक्ष से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में दिए गए पहले कथन का, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ये एक दूसरी शाखा है। तो फिर पहली शाखा कौन थी? पहली शाखा का निर्माण 2019 के बजट में घोषित करने के बाद एंट्रिक्स, जो कि इसकी पहली शाखा है, के रूप में स्थापित किया जा चुका है। यानी कि अंतरिक्ष विभाग का पहला शाखा कौन है? एंट्रिक्स। दूसरी शाखा कौन है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें इस शाखा के मुख्य कार्यों का, तो फ्रेंड्स ये एक ऐसी शाखा है जो निजी क्षेत्रों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में अन्वेषण करने, निवेश करने और आगे बढ़ने के दिशा में कार्य करेगा। ये इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि आपने सुना होगा SpaceX जो कि एक निजी अमेरिकी कंपनी है, वो अपने आप को इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ा रही है कि वो अंतरिक्ष में पर्यटन के दिशा में भी बढ़ चुकी है। साथ ही ये पूरे विश्व में स्टारलिंक नामक एक प्रोजेक्ट चला रही है जो कि पूरे विश्व को अंतरिक्ष के माध्यम से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। तो इसी दिशा में जो हम लोगों ने देखा स्पेस एक्स के बारे में, तो इसी दिशा में जो भारत की संस्थान है, भारत का जो अंतरिक्ष विभाग है, वो भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना चाहता है और एक नए संस्थान का निर्माण करता है, एक नई शाखा का निर्माण करता है जिसका नाम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। ये
अंतरिक्ष विभाग की दूसरी शाखा है, इसे आपने देख लिया क्योंकि इसकी पहली शाखा 2019 के बजट के बाद एंट्रिक्स के रूप में स्थापित किया जा चुका है, तो इसे आपने समझ लिया। अगर हम बात करें जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है उसे किन उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया है, तो आप इन उद्देश्यों को एक एक करके समझें। जो इसका पहला उद्देश्य है फ्रेंड्स, वो ये है कि निजी क्षेत्रों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश करने, अंतरिक्ष के क्षेत्र में अन्वेषण करने के लिए आकर्षित करना। जो दूसरा इसका लक्ष्य है वो ये कि इसरो के माध्यम से जितने भी अवसंरचनाओं का निर्माण अंतरिक्ष के क्षेत्र में किया गया है या फिर सुविधाओं को निर्माण किया गया है उनको निजी क्षेत्रों के लिए आवंटित करने में मदद करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। जो तीसरा लक्ष्य इसे निर्मित करने का रखा गया है वो ये कि जो PSLV है या फिर SSLV है उसको और ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए निवेश किया जाए और साथ ही अन्वेषण किया जाए, इसके लिए इसका निर्माण किया गया है। तो आई होप आपने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उसे समझ लिया है। आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। हम चलते हैं आगे हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वैधानिक रूप से समर्थित है, मतलब आपको बताना है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो कि एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी उद्योग को स्थापित करने के बाद कौन सा पर्यावरण नुकसान होता है उसे देखने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होता है और इसी असेसमेंट को कौन से अधिनियम का सपोर्ट प्राप्त है आपको इसका चयन करना है। आपको दिए गए समर्थित अधिनियमों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिनियम 2006, जैविक विविधता अधिनियम 2002, वन अधिकार अधिनियम 2006। आपको ये बताना है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वैधानिक रूप से किसके समर्थन से कार्य करता है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 3 के पर्यावरण से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का, तो इसे वैधानिक समर्थन यानी कि कानूनी सपोर्ट जो है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से प्राप्त है। कहने का ये मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में किसी औद्योग को स्थापित करना है, किसी फैक्ट्री को लगाया जाना है, इस फैक्ट्री के लगाए जाने से उस क्षेत्र के पर्यावरण को कैसा नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा, जैव विविधता को कितना नुकसान होगा, उसको आंकने के लिए जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है उसी प्रक्रिया को पर्यावरण प्रभाव आकलन कहा जाता है, उसे ही एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहा जाता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कि ये अभी न्यूज़ में क्यों आया है फ्रेंड्स, तो भारत सरकार के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है इस एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो कानूनी प्रावधान था उसमें कुछ संशोधन करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है और उसे लोगों के लिए पब्लिक में रखा गया है। आप भी एनवायरमेंट मंत्रालय के साइट पर जाकर यदि आप चाहते हैं कि इसमें क्या बदलाव किया जाए, क्या बदलाव ना किया जाए, कौन कौन से बदलाव किए जाने को प्रस्तावित किए गए हैं, उन सारी बातों को पढ़ सकते हैं और यदि आप कुछ सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। अभी भी आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। तो इसलिए ये न्यूज़ में आया है क्योंकि ये ड्राफ्ट लाया गया है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का, तो जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उद्योग लगाए जाने के बाद पर्यावरण को क्या नुकसान होगा उसे देखा जाता है। इसे 2006 में बनाया गया था और जब इसे बनाया गया तो इसे पर्यावरण 2006 के पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया। इसके अंतर्गत जो भी उद्योग होते हैं, जो भी आकलन होते हैं, उनको दो श्रेणियों में बांटा जाता है, श्रेणी ए और श्रेणी बी। श्रेणी ए जो होता है उसके अंतर्गत किसी भी औद्योगिक स्थापना के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होता है
और जो श्रेणी बी होता है उसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना होता है। जो केंद्र सरकार से अनुमति लेना होता है उसको स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती है। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया कहने का यह मतलब है कि किसी उद्योग को लगाए जाने के बाद, स्थापित करने के बाद, इस बात को नहीं कहा जा सकता कि भैया आपने जो स्थापित किया है उद्योग, उसकी वजह से जो हम लोगों ने पहले आकलन किया था कि पर्यावरण का 10 इन्फेक्ट होगा, 10 नुकसान होंगे, वो अब बढ़कर 12 हो गया है, तो आप अपने उद्योग संस्थान को बंद कर दें या फिर नुकसान कम करें, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कब नहीं कहा जा सकता? जब उस उद्योग को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अनुमति दी गई है। लेकिन यदि किसी औद्योगिक संस्थान को राज्य सरकार के द्वारा स्थापित करने की अनुमति दी गई है और उस औद्योगिक संस्थान ने कहा था कि हम 10 पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ये 15 पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, तो इसे स्क्रीनिंग किया जा सकता है, रोकने संबंधी गतिविधि की जा सकती है, इसे कहा जा सकता है कि आप पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाइए। तो इस प्रक्रिया को कब किया जा सकता है? जब वो श्रेणी बी के अंतर्गत गुजरे, के अंतर्गत स्थापित किए गए संस्थान होंगे। जो स्क्रीनिंग बी है, यानी कि जो श्रेणी बी के संबंधित परियोजनाएं हैं, उसे भी दो प्रकार से बांटा गया है, श्रेणी बी और श्रेणी ई। श्रेणी बी के अंतर्गत 1 और श्रेणी बी के अंतर्गत ही 2। जो श्रेणी बी के अंतर्गत 1 है उसी का इन्वायरमेंट असेसमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक भी रखा गया है और कुछ को आवश्यक नहीं रखा गया है। इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि राज्यों के द्वारा दिए गए अनुमति वाले कौन से परियोजनाओं को गुजरना ही होगा और कौन सी प्रक्रियाओं को EIA से गुजरना नहीं होगा, इसको क्लियरिटी नहीं दी गई है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था। हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।